गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग का लेसन नंबर 4th, अल्फ़ाबेट टेस्ट कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखो, दो पार्ट्स में डिवाइड है ये चैप्टर। फर्स्ट पार्ट है अल्फ़ाबेट टेस्ट, सेकंड है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो हम अब कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज 10 क्वेश्चन करेंगे बच्चों, 20 क्वेश्चन है बुक में इस चैप्टर में, तो आज हम 10 करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर 10 करेंगे। देखिए, फर्स्ट पार्ट, फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन लेटर्स एंड फाइंड इट्स कैटेगरी। जो फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट थ्री क्वेश्चन है, उसमें तीनों में आपको कुछ वर्ड्स गिवन हैं, हमने उन वर्ड्स से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और उसके बाद जो गिवन ऑप्शन है उनमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। देखिए, फर्स्ट वर्ड क्या है मेरे बच्चों, फर्स्ट पॉइंट ONMO। तो ONMO से क्या वर्ड बनता है, मून, MOON। तो क्या वर्ड बना बच्चों, मून। तो मून के लिए हमने अब ऑप्शन देखना है मेरे बच्चों, जो गिवन ऑप्शन है, फ्रूट गिव्स लाइट गिव्स हीट वेजिटेबल। तो मून के लिए ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों, बी। मून हमें क्या देता है, लाइट, मून गिव्स लाइट। नाउ मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ऑप्शन है आपको RKTSI। तो RKTSI से जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा बच्चों, वो बनेगा स्कर्ट, SKIRT। समझ आ गया बच्चों, तो मीनिंगफुल वर्ड क्या बना, स्कर्ट। और स्कर्ट क्या होता है बच्चों, अब जो गिवन ऑप्शन है ABC, आउटफिट। तो सेकंड का आंसर क्या रहेगा मेरे बच्चों, आउटफिट सी। फर्स्ट का आंसर क्या था, गिव्स लाइट, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखते हैं थर्ड के लिए। थर्ड देखो, CEPNLI। तो थर्ड के लिए बच्चों ऑप्शन क्या रहेगा, पेंसिल। क्या बन जाएगा बच्चों, पेंसिल। और ऑप्शन क्या है, पेंसिल क्या काम आती है आपको, यूज टू राइट। समझ आ गया बच्चों, थर्ड के लिए क्या रहेगा, पेंसिल, PENCIL। तो पेंसिल, और इसमें आप आंसर क्या लिखोगे, पेंसिल में ABC में से बी पार्ट। समझ आ गया मेरे बच्चों, क्या रहेगा, यूज टू राइट पे आपने टिक करना है। नाउ मूव ऑन टू फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। नाउ फाइंड आउट द वर्ड विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब आपको जो लेटर गिवन है फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में पार्टिसिपेट, हमको ये चेक करना है कि इनमें से जो गिवन ऑप्शन है, इनमें से आपका कौन सा लेटर इसमें से बन पाएगा। फाइंड आउट द वर्ड विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे रैपिड की बात करते हैं, रैपिड, अब रैपिड के अंदर RAPID, लेकिन डी इस पार्टिसिपेट में नहीं आ रहा। कहने का मतलब क्या है कि जो अल्फाबेट्स गिवन है पार्टिसिपेट्स में, उससे अपने एक वर्ड्स बनाना है और इसमें बताना है कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में से, रैपिड, ट्रेड, ट्रीट, पार्टिस, प्रैक्टिस में से कौन सा वर्ड इस प्रैक्टिसिपेट पार्टिसिपेट से बन जाएगा। तो रैपिड में डी आ गया, डी पार्टिसिपेट में नहीं है, तो ये आपका बच्चों क्रॉस हो गया। नाउ मूव ऑन टू ट्रेड, TRA, दोबारा डी आ गया, डी, तो डी भी, ये भी नहीं बनेगा। सी में आइए, ट्रीट, TREAT, ये बन जाएगा, क्योंकि देखिए टी, देखिए टी आ गया इसके अंदर, आर आ गया इसके अंदर, ई आ गया, ए आ गया, सी आ गया, टी आ गया। समझ आ गया, नहीं आ गया, तो सारे आ गए इसके अंदर। तो बच्चों हमारा जो लास्ट आंसर सी पार्ट है, ट्रीट, वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए, ओब्लिगेशन। फिफ्थ में क्या है, ओब्लिगेशन, तो हमने चेक करना है जो गिवन वर्ड है फोर, ग्यांट, गर्ल, टेबल, बिलोंग, ये इससे बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। देखिए सबसे पहले देखिए, ग्यांट, जी है, आई है, ए है, ए भी है, एन है, एन भी है, और टी भी है। तो GINT फर्स्ट वर्ड था, वही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि GINT सारे के सारे अल्फाबेट्स इस ऑब्लिगेशन के अंदर आ रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ग्यांट। तो हमें फर्स्ट आंसर आते ही आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। नाउ मूव ऑन टू सिक्स्थ एंड सेवन्थ, फाइंड आउट द वर्ड विच कैन नॉट बी मेड। अब हमको ये देखना है कि जो गिवन अल्फ़ाबेट है रीजनेबल,
इसमें जो आपको चार ऑप्शन गिवन हैं, इनमें से कौन से वर्ड नहीं बनेंगे, विच कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। और देखिए नोबल, नोबल इसे बनेगा, देखिए चेक करते हैं नोबल इसे बन पाएगा नहीं बनेगा। एन आर ए, ओ आर ए, बी आर ए, एल आर ए, ई आर ए, तो नोबल तो बन रहा है तो ये गलत हो जाएगा। अब ब्रेन देखते हैं, बी बी आर ए, आर आर ए, ए आर ए, हाँ ब्रेन, आई नहीं आ रहा इसके अंदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ब्रेन। समझ आ गया नहीं आ गया? तो जैसे ही हमारे पास एक आंसर आ जाए उसके बाद हमको आगे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ब्रेन। देखिए सेवन्थ पार्ट के लिए जस्टिफिकेशन, सेम काम करना, हमने ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड इसमें नहीं बनेगा। अब देखते हैं एक्शन, ए सी टी, ए आ गया, सी आ गया, टी बी आ गया, आई ओ एन, तीनों पार्ट आ गए तो एक्शन तो बन गया। नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन, सी ए, सी आ गया, ए आ गया, यू, यू भी आ गया, टी भी आ गया, आई ओ एन ये भी आ गया, तो बी पार्ट भी पूरा बन गया। अब देखते हैं फिस्ट, फिस्ट बन पाएगा या नहीं बनेगा, एफ आ गया, आई आ गया, एस टी दोनों आ गए, तो ये भी हमारा बन चुका है फिस्ट भी। जो लास्ट पार्ट जो रह गया वो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी कैक्टस। समझ आ गया बच्चों? नाउ मूव ऑन टू एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, हमारे तीन क्वेश्चन आज के लास्ट क्वेश्चन हैं, देखिए कैसे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ अल्फ़ाबेट फॉलो द गिवन रूल, देखिए हमें कुछ रूल गिवन है उसके हिसाब से हमको इसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। देखिए एट्थ में क्या कह रहा है, रिवर्स सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ गिवन। रिवर्स सीक्वेंस मीन्स अगर हम उल्टा स्टार्ट करते हैं तो ये सीक्वेंस हमको अल्फ़ाबेट्स की गिवन है। जैसे हम ए पार्ट में देखते हैं, पी क्यू आर एस, देखो आर आना चाहिए था, आर नहीं आ रहा, तो ये हमारा आंसर गलत हो गया। मूव ऑन टू बी पार्ट, आई जे के एल एम, ये उल्टी अगर हम सीक्वेंस स्टार्ट कर रहे हैं, आई जे के एल एम, देखो ये पूरी सीक्वेंस हमारी बन चुकी है आई जे के एल एम, तो यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा, आई जे के एल एम। समझ आ गया मेरे बच्चों? तो आंसर क्या रहेगा इसका, एट्थ का बी पार्ट, क्योंकि जब हमने उल्टा स्टार्ट किया तो हमें पूरी सीक्वेंस मिल गई आई जे के एल एम, बाकी चारों पार्ट में आपको किसी में भी आपको ये नहीं मिलेगा। नाउ रूल नंबर नाइन, नाइन्थ देखिए, नंबर ऑफ स्किप्ड लेटर्स बिटवीन एनी टू एडजेसेंट लेटर इज़ वन। अब बच्चों एडजेसेंट लेटर तुम्हारा क्या होता है ये समझो, एडजेसेंट लेटर होते हैं तुम्हारे साथ साथ वाले, जैसे कि एफ के साथ आई है, समझ आ गया, ये दोनों एडजेसेंट है एफ और आई, और ऐसे ही एम और ओ एडजेसेंट है आपके। ऐसे ही अगर हम बात करें क्यू एस, जो क्यू एस है ये दोनों भी क्या हैं, एडजेसेंट हैं, तो जो साथ साथ वाले होते हैं वो उसको एडजेसेंट कहते हैं। अब समझाएं एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, हमको क्या बताना है कि नंबर ऑफ स्किप्ड लेटर्स बिटवीन एनी टू एडजेसेंट लेटर इज़ वन, कि जो दो लेटर हैं जैसे एफ और आई की बात मैं कर लूँ, एफ और आई के बीच में जो वर्ड स्किप हो रहा है वो सिंगल वर्ड होगा। अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, दो वर्ड आ गए हमारे पास, लेकिन होना कितना चाहिए था आई, एक वर्ड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दो वर्ड स्किप हो रहे हैं, एफ के बाद जी आया, जी के बाद एच आया, एच के बाद आई आया, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, फर्स्ट हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं बी पार्ट पे, बी पार्ट में क्या है बच्चों, एम ओ क्यू एस टी। अब एम के बाद क्या आता है मेरे बच्चों, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, एन, एन के बाद इसमें ए हो गया, ओ के बाद पी, अब हम ओ क्यू में देखेंगे, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, ये भी आ गया, आगे देखेंगे क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, ये भी हो गया, एस के बाद देखेंगे पी क्यू आर एस टी, लेकिन ये देखो एस टी के अंदर हमारा ये अल्फ़ाबेट नहीं आया, क्योंकि एस के बाद तुरंत टी आ गया, पी क्यू आर एस टी, लेकिन इन दोनों के बीच में एक वर्ड अल्फ़ाबेट स्किप होना ज़रूरी था, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी पार्ट में देखते हैं बच्चों, सी पार्ट में क्या है, क्यू एस पी क्यू आर एस, तो ये एक अल्फ़ाबेट इसके अंदर आ रहा है, क्यू के बाद आर आ गया, तो ये ठीक है हम यूज़ कर सकते हैं। अब एस के बाद यू क्यू पी क्यू आर एस टी यू, ये भी इसके अंदर आ गया, यू के बाद वी आ गया, देखो पी क्यू आर एस टी यू वी, लेकिन यू और वी जो हैं एक साथ नहीं आ सकते, तो ये हमारा आंसर गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि यू
फिर वी गैप आना था, फिर एक्स आना था, इसलिए हमारा ये भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं डी पे, जो डी बच गया वो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। समझ आ गया मेरे बच्चों? अगर हम वेरीफाई करना चाहें वेरीफाई भी कर सकते हैं इसके अंदर। वेरीफाई कैसे, देखिए अब हम अगर बात करें बी, बी है ठीक है, बी के बाद क्या आता है सी, एक छोड़ दिया तो डी लिख दिया, डी के बाद क्या आता है ई, एक छोड़ दिया फिर एफ आ गया, एफ के बाद क्या आता है जी, एक लेटर छोड़ दिया एच आ गया, एच के बाद क्या आता है बच्चों आई, आई छोड़ दिया उसके बाद जे आ गया। अगर हम सीक्वेंस देखें बी के बाद एक लेटर स्किप किया सी, डी आया, डी के बाद एक लेटर स्किप किया ई, ई के बाद एफ आया, एफ के बाद एक लेटर स्किप किया जी फिर एच आया, एच के बाद एक लेटर स्किप किया आई फिर जे आया। तो हमारे पास बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी बी डी ई एफ एच जेड। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, टेंथ रूल, ए सीरीज ऑफ वोवल इज गिवन इन अ सेम ऑर्डर एज दे अपीयर इन अल्फाबेट सीरीज। देखिए अब हम अल्फ़ाबेट सीरीज गिवन है, हम अब हमको वोवल्स फाउंड आउट करने हैं। जैसे कि हमको पता है 5 वोवल्स होते हैं इंग्लिश में और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तब हमको क्या देखना है, जो गिवन वर्ड्स हैं उसी सीक्वेंस में हमारा कौन सा गिवन ऑप्शन में से आ रहा है। देखिए फर्स्ट जो गिवन ऑप्शन थे हमारे पास, वोवल कौन कौन से वोवल होते हैं, ए ई आई आई ओ यू, लेकिन अब हमको देखना है कि कौन सी करेक्ट सीक्वेंस हमको इसमें दे रखी है। देखिए ए में देखिए ए ई होना चाहिए था, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, गलत, क्योंकि इसके अंदर ए के बाद आई आ गया। और देखते हैं बी और सी और डी में, बी में देखिए ए ई आई ओ यू, ये देखिए बी पार्ट में हमारा करेक्ट आंसर सीक्वेंस मिल चुकी है ए ई आई ओ यू। इसी सीक्वेंस में वो अल्फाबेट सीरीज में भी आते हैं। देखो बिल्कुल ये कह रहे हैं इन द सेम एज दे अपीयर इन द एज दे अपीयर इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। देखिए तो जो सेकंड आंसर है वो हमारा टिक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसी सीक्वेंस में ये अल्फाबेट सीरीज में आते हैं ए ई आई ओ यू। समझ गए, बाकी सारे हमारे आंसर गलत हो जाएंगे। तो टेंथ का आंसर हमारा हो जाएगा बी। ओके बच्चों, तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं टेंथ, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।